केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे कटिहार, कांग्रेस और लालू पर जमकर बरसे, कहा मोदी जी को तीसरी बार बनाए पीएम। केंद्र मंत्री अमित शाह कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एनडीए से जदयू के प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। मंच को संबोधित करते हुए शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कटिहार त्रिमुहानी संगम है। उन्होंने जिले के कई धार्मिक स्थलों का जिक्र करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन, में जहां जहां आज बंगाल से बिहार के कटिहार आया लोग मोदी के नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं तो कटिहार से तीर चुनाव चिन्ह पर वोट करें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। परिवारवाद पर जमकर बरसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में परिवारवाद को, जातिवाद और तुष्टिकरण को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। सभी 40 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे भाई दुलालचंद गोस्वामी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ कटिहार वालों, दुलालचंद जी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। तीर के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए भारत माता। बिहार वालों की आवाज को क्या होगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? दुलालचंद गोस्वामी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? कोई ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी कटिहार वालों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में दुलालचंद जी को जिताने की सभा में मेरे साथ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान नीतीश बाबू, बिहार के मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्यसभा के सदस्य संजय झा जी, बहन लेसी सिंह जी, माता शीतला की पवित्र भूमि कल्याणी झील की देवीय धरा, बाबा गोरखनाथ का मंदिर और मां बड़ी दुर्गा के मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत की। भाइयों बहनों, आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश की जनता ने यह तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन है। मैं जहां गया, आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूमकर आया हूं, जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? चोट बोले चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश में से
मुद्रा का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल देश को विकसित किया, मोदी जी ने बिहार को भी विकसित किया। मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और लालू जी को, 10 साल तक आपकी सरकार थी, बिहार को क्या दिया? 10 साल में बिहार को 2,80,000 करोड़। अब 10 साल आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2,80,000 करोड़ कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी ने 2,80,000 करोड़ बनाम 9,23,000 करोड़ क्या बिहार के विकास के लिए देने का। इसके अलावे 4,00,000 करोड़ रुपया सड़क और पुल के लिए, 1,00,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट के उत्थान के लिए मोदी जी ने देने का काम किया है। और कटिहार में भी ढेर सारे काम हुए, 2,500 करोड़ से 50 किलोमीटर